मगरमच्छ शक्तिशाली शिकारी हैं, जो अपनी कुशल और सटीक भोजन आदतों के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी शानदार खाने की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। शक्तिशाली जबड़े और लचीले गले के साथ अपने सिर से बड़े शिकार को निगल लेते हैं। उन्हें ज़ेब्रा या मछली जैसे बड़े शिकार को निगलने में सक्षम बनाते हैं। नंबर 8, मगरमच्छ भरसिर हाथी। इस क्लिप पानी में छिपे एक हाथी और मगरमच्छ के बीच नाटकीय मुठभेड़ को कैद करता है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में मगरमच्छ बाहर आता है और हाथी की सूंड पर अपने जबड़े कस लेता है। चौंका हुआ हाथी सहज प्रतिक्रिया करता है, अपने सिर को हिंसक रूप से हिलाता है और यहां तक कि मुक्त होने की कोशिश में मगरमच्छ के पास भी जाता है। संघर्ष जारी है। हाथी का विशालाकार और ताकत अंत मगरमच्छ को अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। इस क्लिप में एक भयावह परिदृश्य सामने आता है, जब एक मगरमच्छ एक युवा हाथी की बच्चे को निशाना बनाता है। अपनी माँ के साथ पानी में तैरते समय बछड़े की सूंड छुपे सरीसृप ने पकड़ लेता है, लेकिन वयस्क के विपरीत बछड़ा भाग्यशाली है कि कोई गंभीर नुकसान होने से पहले वे मगरमच्छ के चंगुल से बच जाता है। मगरमच्छों के इन हमलों को देखना हाथियों की शक्ति के बारे में उनकी जागरूकता पर सवाल उठाता है। क्या वे सचमुच इतने विशाल प्राणी पर हमला करने के संभावित परिणामों को समझते हैं? क्या वे अपने शिकार के आकार और ताकत की परवाह किए बिना सहज शिकारी व्यवहार से प्रेरित हैं? इस क्लिप में जल मार्गों को पार करने के आदि हाथी आमतौर पर जल निकायों को पार करने से डरते नहीं हैं। हालांकि ये मामले उन कमजोरियों को उजागर करते हैं जिनका सामना उन्हें तब करना पड़ता है जब मगरमच्छ जैसे छिपे हुए शिकारी घात लगाकर बैठे होते हैं। सौभाग्य से हाथियों का आकार और ताकत आमतौर पर उन्हें ऐसे हमलावरों पर काबू पाने और विजयी होने की अनुमति देती है। ये मनमोहक वीडियो जंगल में जीवन की जटिल गतिशीलता की एक झलक पेश करते हैं, जहां शिकारियों और शिकार के बीच मुठभेड़ नाटकीय और अप्रत्याशित दोनों हो सकती है। वे हाथियों की अविश्वसनीय लचीलेपन और ताकत की याद दिलाते हैं, जो अप्रत्याशित खतरे का सामना करने में भी दृढ़ रह सकते हैं। नंबर 7, मगरमच्छ भरसिज बुशबक। वाटरिंग हॉल का गंदा पानी शांत है। एक अस्थिर दर्पण पास के बुशबक की चिंता को प्रतिबिंबित कर रहा था। प्रत्येक वृत्ति ने उसे विश्वासघाती सतह के प्रति सचेत किया, जहां अदृश्य जबड़े छिपे हो सकते हैं। यहां तक कि बारिश से चिकनी ठोस जमीन भी थोड़ा आराम दे रही थी। बस एक गलती इसका संतुलन बिगाड़ सकती है, जिससे यह सुरक्षित हो सकती है। पानी के उस पार एक अलग तरह की शांति छाई हुई थी। क्रॉक झुंड पानी में डूबे हुए थे। उनके शरीर पानी में डूबे हुए लठों की तरह थे। केवल उनके अंगों की धीमी ठंडी हरकत उनके शिकारी उद्देश्य को उजागर कर रही थी। उन्होंने इंतजार किया। धैर्य उनका हथियार था। इस क्लिप में समय बुशबक के पक्ष में नहीं था। दैनिक प्यास बुझाने की मांग कर रहा था। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना अस्थाई खुर गंदे पानी में डाला। सतह क्षण भर के लिए हिलने लगी, फिर आंदोलन का विस्फोट। गहराई से एक राक्षसी सिर फूटा, जबड़े खुले, बिना सोचे समझे शिकार से कुछ इंच दूर। लेकिन आदिम भय से प्रेरित बुशबक तैयार था। हताश ऊर्जा के एक झटके में वह पीछे की ओर उछला। खुरों से चिकनी मिट्टी को ठोकर मारते हुए उसने खुद को तड़पते हुए जबड़ों से दूर फेंक दिया। मगरमच्छ तेजी से आगे बढ़ते हुए एक स्प्रे के साथ पानी में वापस गिर गया। उसकी कुंठित चिल्लाहट हवा में गूंज उठी। नंबर 6, मगरमच्छ भरसिज तेंदुए। पानी के गड्ढे में तनाव फैल गया क्योंकि एक मगरमच्छ के दुस्साहस ने एक राक्षसी तेंदुए के मूछें हिला दी। चिकनी और ताकतवर बिल्ली अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास आई, लेकिन उसे बहुमूल्य पानी की रखवाली करने वाले सरीसृप जैसी मुस्कुराहट का सामना करना पड़ा। हालांकि तेंदुआ बहुत बड़ा था, फिर भी वह गंदी सतह के नीचे छिपे खतरों को जानता था। इसने गहरी चेतावनी दी, एक गड़गड़ाहट जो पूरे सवाना में गूंज उठी। लेकिन मगरमच्छ प्रभावित रहा। एक मुंह खोलने की प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रत्येक शिकारी दूसरे के संकल्प को पर रख रहा था। व्यवहारिक और हमेशा सावधान रहने वाले तेंदुए ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। वह थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। नंबर 5, मगरमच्छ भरसिज शेर।
इस क्लिप में एक खतरनाक नदी पार करने के दौरान दो शेर भाइयों का सामना एक छुपे हुए मगरमच्छ से होता है। पानी में भारी नुकसान होने पर शेर उल्लेखनीय धैर्य का प्रदर्शन करते हैं और शक्तिशाली सरीसृप की पकड़ से बचने के लिए जी जान से संघर्ष करते हैं। अंततः वे खुद को मुक्त करने और भागने में सफल हो जाते हैं। इस क्लिप में नदी के आगे एक अकेला नरशेर और कई मादाओं का सामना एक अन्य मगरमच्छ से होता है। एक तनावपूर्ण मौखिक आदान प्रदान शुरू हो जाता है जो दहाड़ और धमकियों से भरा होता है, क्योंकि शेर अपने प्रभुत्व का दावा करता है और मगरमच्छ अपने जलीय क्षेत्र की रक्षा करता है। सौभाग्य से संघर्ष कम हो जाता है और दोनों पक्ष अपनी यात्राएं फिर से शुरू कर देते हैं। इस क्लिप में शेरों और मगरमच्छों के बीच अधिकांश झड़पें क्षेत्रीय विवादों या भोजन की प्रतिस्पर्धा के कारण होती हैं। आमतौर पर कोई भी दूसरे पर सीधे शिकार करने की कोशिश नहीं करता है। हालांकि इस वीडियो में शेर झाड़ी में घूम रहे एक भटके हुए मगरमच्छ पर ठोकर खाते हैं। हालांकि शुरुआत में नरशेर चिढ़ गया, लेकिन उसने मगरमच्छ की गंभीर दंत स्थिति को देखा। प्राणी की कमजोरी को पहचानते हुए शेर नरम पड़ जाता है और उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाने देता है। नंबर 4, मगरमच्छ वर्सेस इम्पालास। वाइल्ड बीस्ट की तरह इम्पालास को जीवित रहने के लिए पानी के छिद्रों में जाना पड़ता है, लेकिन उनका छोटा आकार और ताकत की कमी उन्हें पानी में छिपे शिकारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है। हालांकि इम्पालास का एक महत्वपूर्ण लाभ है उनकी असाधारण गति। इस क्लिप में पानी के किनारे होने वाले जीवन या मृत्यु नाटक को दर्शाता है। एक नील मगरमच्छ इम्पाला को निशाना बनाते हुए गहराई से निकलता है, लेकिन फुर्तीला प्राणी प्रभावशाली गति से हमले से बच जाता है। इस क्लिप में एक और इम्पाला कम भाग्यशाली खुद को मगरमच्छ के शक्तिशाली जबड़ों में फंसा हुआ पाता है। फिर भी एक दृढ़ संघर्ष और भाग्य के स्पर्श के बाद इम्पाला मुक्त होने और तट पर चढ़ने में सफल हो जाता है। थका हुआ लेकिन जीवित आ जाता है। इस क्लिप में दर्दनाक मुठभेड़ से इम्पाला हिल गया और वह मगरमच्छ से भरे पानी में घूर रहा था। खतरे के बावजूद जानवर की प्यास उसे एक बार फिर खतरनाक पार करने के लिए मजबूर करती है। इस बार अपनी तेजी पर भरोसा करते हुए इम्पाला ने घातक सरीसृप के साथ एक और संभावित मुठभेड़ से बचकर सफलतापूर्वक जीवित आ जाता है। नंबर 3, मगरमच्छ वर्सेस अजगर। एवरग्लिड्स में आए बर्मी अजगरों ने एक संपन्न आबादी स्थापित कर ली है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि ये उनके पसंदीदा शिकार नहीं है, लेकिन ये बड़े कंस्ट्रिक्टर्स 20 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं, जिससे वे अमेरिकी मगरमच्छों के लिए एक संभावित भोजन स्रोत बन जाते हैं जो इस क्षेत्र में एक और शीर्ष शिकारी हैं। मगरमच्छ अपने शक्तिशाली जबड़ों और कवच के साथ छोटे अजगरों को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। उनके काटने से 2000 पाउंड तक का बल उत्पन्न हो सकता है, जो एक अजगर की खोपड़ी को कुचलने के लिए पर्याप्त है। हालांकि बड़े अजगर एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा कर सकते हैं। उनकी अवरोधक शक्ति बड़े मगरमच्छों का भी दम खोद सकती है, जिससे मुठभेड़ दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरी हो जाती है। मगरमच्छ और अजगर के बीच लड़ाई का नतीजा आकार, ताकत और अनुभव सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। एक परिपक्व मगरमच्छ एक छोटे अजगर पर हावी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा अजगर संभावित रूप से एक बड़े मगरमच्छ का भी दम खोद सकता है। अक्सर ये मुठभेड़ गतिरोध में समाप्त होती है। दोनों शिकारी अनावश्यक चोट से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं। बर्मी अजगरों की शुरुआत ने एवरग्लेड्स खाद्य जाल के नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया है। छोटे स्तनपाई आबादी समाप्त होने के कारण मगरमच्छ भोजन स्रोत के रूप में अजगर की ओर मुड़ गए हैं। ये बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, अन्य प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है और प्राकृतिक संतुलन को बदल सकता है। संरक्षण प्रयासों के लिए इन शीर्ष शिकारियों के बीच जटिल बातचीत को समझना महत्वपूर्ण है। उनके व्यवहार और आवास प्राथमिकताओं का अध्ययन करने से अजगरों की आबादी को प्रबंधित करने और नाजुक एवरग्लेड्स पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की रणनीतियों की जानकारी मिल सकती है। नंबर 2, मगरमच्छ वर्सेस मगरमच्छ।
इस क्लिप में तनाव से भरे एक दृश्य में एक बड़ा मगरमच्छ अपने जबड़ों को एक छोटे मगरमच्छ के चारों ओर जकड़ लेता है। छोटा मगरमच्छ छटपट आता है, दम खोंचू पकड़ से बचने की कोशिश करता है और एक सतर्क, यहाँ तक कई बड़ा मगरमच्छ भी पास में देखता रहता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये मुठभेड़ प्रकृति में घटित होती है। इस क्लिप में दिलचस्प बात यह है कि दो अन्य बड़े मगरमच्छ अचानक अलग होने और गहरे पानी में जाने से पहले एक संक्षिप्त संघर्ष में संलग्न होते हैं। ये अचानक बदलाव जिज्ञासा जगाता है, क्या ये चंचल लड़ाई, क्षेत्रीय विवाद या अधिक गंभीर लड़ाई की प्रस्तावना हो सकती है। इस क्लिप में संघर्षरत मगरमच्छों में से एक दूसरे के पैर या पूंछ पर क्रूर काटने से खून के निशान दिखाई देता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, दृश्य तीव्र होता जाता है और एक भयानक झटके के साथ समाप्त होता है। हमले के बल के कारण एक और मगरमच्छ के अंग की टूटने की आवाज, असहनीय दर्द के बावजूद घायल मगरमच्छ उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करता है और झुकने से इनकार करता है। घायल मगरमच्छ की दृढ़ गतिविधियों को देखकर हम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने की बजाय उसकी अंतर्निहित जीवित रहने की प्रवृत्ति की सराहना कर सकते हैं। नंबर एक, मगरमच्छ वर्सेज बबून। इस क्लिप में लंगूरों के एक समूह और एक मगरमच्छ के बीच एक दुर्लभ मुठभेड़ को दर्शाता है। हालांकि सभी बबून उसमें शामिल नहीं होते हैं, कुछ बबून सावधानी से मगरमच्छ के पास जाते हैं। इन साहसी बबून की उपस्थिति एक सामूहिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती प्रतीत होती है, जिसमें अन्य बबून भी इस गतिविधि में शामिल होते हैं। हालांकि गतिविधि का विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी मुठभेड़ दोनों पक्षों के लिए खतरनाक हो सकती है। बबून, विशेष रूप से युवा मगरमच्छ के हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों के बड़े समूहों के साथ मुठभेड़ में मगरमच्छों को चोट लग सकती है। इस क्लिप में दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है, जब एक मगरमच्छ एक युवा लंगूर को पकड़ लेता है। अटूट मातृ साहस का प्रदर्शन करते हुए माँ अपनी संतान को पुनः प्राप्त करने के लिए शिकारी से लड़ते हुए पानी में छलांग लगा देती है। अफसोस की बात है कि उसके साहसिक प्रयास के बावजूद युवा बबून मगरमच्छ की चपेट में आ गया है। इस क्लिप में एक अलग घटना को भी दिखाया गया है, जिसमें एक लंगूर बंदर और एक मगरमच्छ शामिल है। पानी पीने के प्रयास में बंदर का हाथ मगरमच्छ के दांतों में फंस गया है। एक घंटे से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद बंदर खुद को मुक्त करने में सफल हो जाता है, हालांकि उसका एक हाथ टूट गया है। ये चोट जंगल में बंदर के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।